अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल बटन पर जरूर क्लिक करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो इंसान रमजान में जुम्मे का रोजा रखे और इफ्तारी करते वक्त जो भी दुआ मांगे, अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं करता। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इंसान जुम्मे का रोजा रखे तो जब तक वो रोजा खोलता नहीं, फरिश्ते उसके लिए अस्तगफार पढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि जब वो रोजा खोलता है तो उसके सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। बीबी सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अगर कोई औरत जुम्मे का रोजा रख के घर में काम करे तो अल्लाह उस औरत पे दोज़ख की आग हराम कर देता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई इंसान जुम्मे का रोजा रखे और जुम्मे नमाज पढ़े, उस वक्त अल्लाह उसके लिए आसमानों और जमीनों के खजानों के दरवाजे खोल देता है और कहता है, ऐ मेरे बंदे मांग। क्या मांगता है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई इंसान रमजान में जुम्मे का रोजा रखे और रिज़्क हलाल कमाने के लिए जाए तो फरिश्ते उसके कदम चूमते हैं और अल्लाह उसके पसीने की एक एक बूंद के बदले जन्नत में उसका मुकाम बढ़ाता रहता है।